Good morning students, welcome to our channel Be Smart Education Point. So today in this class we are going to do the different assertion and reasoning questions of class 10th maths chapter 1, that is of real numbers. So in the previous video we have already done about the options. What are the options of the assertion and reasoning questions? For the basic understanding, kindly check the previous video. You can check the link in the description box. So let's start doing assertion and reasoning questions based on chapter 1, real number. Okay? So this is our very first question, having assertion and reasoning. So what are the basics that aapko assertion or reason ko bade dhyan se pehle read karna hai, as this is based on chapter 1, real numbers. So real numbers mein aapne ek topic already kiya tha, rational or irrational number pe based. So now what is the assertion? The simple statement is, wo keh rahe hain, root p is an irrational number, where p is a prime number. Agar p prime number hai, to root p ek irrational number hoga. Is it correct or not? Let's check by just taking any prime number. So the prime numbers, aap koi bhi le sakte hain. Let, you can take 2, 3, 5, 7 and so on. Koi marzi aap lijiye. Now just check it. Root 2. Is root 2 a rational number? No, it is an irrational number. Is root 3 rational? No, it is again irrational. Aap koi marzi, koi bhi prime number aap count kariye aur aap check karoge ke uske जो स्क्वेयर रूट है वो हमेशा इरेशनल नंबर ही होगा, क्योंकि वो आगे सॉल्व नहीं होगा. अब अगर मैं ले रही हूँ रूट फोर, वेयर फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो ये तो प्रॉपरली सॉल्व हो रहा है. रूट फोर कैन बी रिटन एज प्लस माइनस टू. ठीक है, और भी अनदर नंबर्स हैं जिनको आप डिफरेंटली चेंज कर सकते हो. रूट सिक्स कैन बी रिटन एज रूट टू इन टू रूट थ्री, वेयर बोथ टू एंड थ्री आर प्राइम नंबर्स. Therefore, root p, जहां पे p एक प्राइम नंबर होगा, वो हमेशा उसका रूट एक इरेशनल नंबर होगा. तो इससे हमारी assertion क्या प्रूव हो रही है, कि assertion तो करेक्ट है. ठीक है, लेट्स चेक द रीजन नाउ. स्क्वेयर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज एन इरेशनल नंबर. एनी प्राइम नंबर, हम ऑलरेडी एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले चुके हैं. आप कोई भी प्राइम नंबर यहाँ पे कैरी करें, टेकिंग 11, 13 एंड सो ऑन, टेकिंग एनी इरेशनल नंबर, और उसका जो स्क्वेयर रूट होगा प्राइम नंबर का, फॉर एग्जाम्पल 13 हेयर, रूट 11, रूट 17, एनी ऑफ द स्क्वेयर रूट ऑफ प्राइम नंबर, वो हमेशा क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा. तो इसमें हमें सॉल्व कुछ नहीं करना है, इट जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट दैट अगर p प्राइम नंबर है कोई भी, तो उसकी जो स्क्वेयर रूट है वो कभी भी सॉल्व नहीं होगी, और वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही काउंट होगा. दैट्स वाई हमारा रीजन भी क्या है, सही है. अब जस्ट अब आपको क्या चेक करना है, कि क्या ये रीजन में जो स्टेटमेंट यूज हुई है वो कहीं ना कहीं अजर्शन को सिंप्लीफाई कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है प्रॉपरली. यस, बिकॉज यहां पे भी हम प्राइम नंबर और इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, और सेम थिंग हम यहां पे भी प्राइम नंबर और इरेशनल नंबर की बात कर रहे हैं. तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, रीजन जो है, वो सही सही एक्सप्लेन कर रहा है अजर्शन को. सो देयरफॉर विच ऑप्शन इज करेक्ट वन? ऑप्शन नंबर ए. और ऑप्शन ए क्या थी हमारे पास, दैट अजर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्शन. दिस इज आवर ऑप्शन ए. For the better understanding for the options A, B, C, D, kindly check the previous video. And this is our very first example related to the chapter 1. I hope this is example clear to everyone. Let's start doing the second one. So our second assertion and reasoning here, let's read. Assertion. What is the statement? HCF of two numbers is 18 and their product is 3072. That means, टू नंबर्स की एच सी एफ जो है वो 18 है, और टू नंबर्स की प्रोडक्ट जो है वो 3072 है. देन देयर एल सी एम इज 169.
आंसर इज ऑल्सो गिवन, एवरीथिंग इज गिवन. हमें जस्ट ये चेक करना है कि क्या उन्होंने जो आंसर दिया है या जो भी स्टेटमेंट गिवन है क्या वो सही है या नहीं. ओके, सो फर्स्टली अजर्शन चेक करते हैं, रीजन हम फिर रीड करेंगे. सो हियर व्हाट इज गिवन, हमारे पास क्या होता है, यू कैन चेक द रीजन हियर. रिलेशन इज गिवन, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. रीजन सही है क्योंकि हमारे पास ये ऑलरेडी रिलेशन होता है, दो नंबर्स की प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होगी, दो नंबर्स के LCM और उसके HCF की प्रोडक्ट के. तो हम चेक करते हैं कि हमारे पास A और B क्या है. उन्होंने A मल्टीप्लाई बाय B गिवन दिया है, दैट इज 3072. HCF इज गिवन 18, LCM इज गिवन 169. तो जस्ट हमें पुट करके चेक करना है क्या वो सही दे रहे हैं. अकॉर्डिंग टू द रिलेशन HCF मल्टीप्लाई बाय LCM इज इक्वल्स टू 3072. नाउ चेक दिस मल्टीप्लीकेशन. अगर मैं इस मल्टीप्लीकेशन को चेक करूं, आई विल गेट 3042. हियर 3072, आर द टू नंबर्स इक्वल? नो, दैट्स व्हाई माय अजर्शन इज फॉल्स. अजर्शन मेरी सही नहीं है. फिर तो और ज्यादा इजी हो जाता है ऑप्शंस को चूज करना. रीजन मेरा सही है. नाउ जस्ट चेक द ऑप्शंस इन द प्रीवियस वीडियो दैट अजर्शन फॉल्स एंड रीजन ट्रू. बाय दीज टू विच ऑप्शन इज करेक्ट? डी, वेयर अजर्शन फॉल्स रीजन ट्रू. सो आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज जस्ट इट इज अ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन. तो आपको सिंपली एक कैलकुलेशन अटेम्प्ट करनी है और चेक करना है कि गिवन स्टेटमेंट सही है या नहीं. सो अकॉर्डिंगली अजर्शन मेरी फॉल्स थी, रीजन मेरा सही आ रहा है, दैट्स वाई सिंपली डी ऑप्शन इज द आंसर. क्लियर टू ऑल? लेट्स स्टार्ट डूइंग द थर्ड वन. दिस इज आवर वेरी थर्ड अजर्शन एंड रीजनिंग. नाउ व्हाट इज अजर्शन हियर? द नेक्स्ट टॉपिक, फर्स्टली हमने टॉपिक किया इरेशनल नंबर्स पे बेस्ड, सेकंड हमने किया HCF LCM पे बेस्ड, एंड थर्ड इज ऑन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बेस्ड. सो व्हाट इज अजर्शन हियर? अ डेसिमल नंबर इज गिवन, 34.12345 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन. ये नंबर जो गिवन है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. क्या इसमें कोई सॉल्व करने की जरूरत है हमें? नो. हम कैसे चेक करते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है या नहीं? अगर डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके खत्म हो रही है, ठीक है, कोई बार नहीं है, कोई हमारे पास डॉट 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 नहीं है कि नंबर आगे चल रहा है, तो सिंपली वो डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट्स पे खत्म हो रहा है, विच मीन्स वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. ओके, और हम कैसे चेक करते हैं? अगर मैं इसको पी बाय क्यू फॉर्म में लिखूं, हियर आफ्टर डेसिमल फाइव नंबर्स आर देयर, सो हियर फाइव जीरोज इन द डिनोमिनेटर. इसको मैंने पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा और क्यू को अगर मेरा ये क्यू को इसको मैं फैक्टराइज करूं तो ये मेरे पास क्या आएगा? इट इज 2 raised to power 5 एंड 5 raised to power 5. जब आप इसको फैक्टराइज करोगे साइड पे, यू विल गेट 2 raised to power 5 एंड 5 raised to power 5. Which is in the form of 2 raised to power m and 5 raised to power n. एक हमारे पास ये भी फॉर्म थी. नाउ जस्ट चेक द रीजन कि डिनोमिनेटर अगर इस नंबर का when expressed in the form of p by q, that is of the form 2 raised to power m and 5 raised to power n, where m and n are positive integers. तो वो तो आ रहा है. हमने इस गिवन नंबर के डिनोमिनेटर को मैंने प्राइम फैक्टराइज किया जो मेरा ये वाला फ्रैक्शन ये वाला एक्सप्रेशन आया. तो ये एक्सप्रेशन मेरा मैच कर रहा है 2 raised to power of m 5 raised to power n की मल्टीप्लिकेशन के. तो हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर 2 या 5 की कुछ पावर्स में आ रहा है, दैट मीन्स वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है. दैट मीन्स हमारी अजर्शन भी क्या आ रही है, सही है, क्योंकि ये वाला नंबर टर्मिनेटिंग है और हमने इसके डिनोमिनेटर को 2 raised to power m और 5 raised to power n में भी एक्सप्रेस कर दिया, विच मीन्स माई रीजन इज ऑल्सो करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. जब दोनों करेक्ट होते हैं तो हमारे पास ए और बी में से दो ऑप्शंस चूज करने को बचते हैं. तो अब आपको ये चेक करना है कि क्या गिवन रीजन अजर्शन को प्रॉपरली एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं.
ऑब्वियसली द सेम डिनोमिनेटर इस नंबर का इस फॉर्म में है, ये भी हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए यूज करते हैं और ऊपर भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन गिवन टर्म थी, सो दैट्स व्हाई ये रीजन एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन, विच मीन्स ऑप्शन ए इज द आंसर. इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप दिस इज क्लियर. फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर द ऑप्शन काइंडली चेक द प्रीवियस वीडियो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. सो दिस इज आवर फोर्थ assertion रीजनिंग. हियर we are having two expressions, assertion 7 multiply 13 multiply 11 plus 11 and 7 multiply 6 multiply 5 multiply 4 multiply 2 multiply 1 plus 3. They have exactly composite numbers. हमें ये check करना है, वो तो ये दे रहे हैं कि ये दोनों composite numbers हैं, but हमें अपनी assertion हमेशा check करनी है कि क्या वो composite numbers हैं या नहीं. Okay, and रीजन में एक और एक्सप्रेशन दे रहे हैं विच इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, तो ये भी हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये कॉम्पोजिट नंबर है या नहीं. ओके, अकॉर्डिंगली हम अपना ऑप्शन चूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग रफली. आपको मैंने पहले भी बोला है स्टेप बाय स्टेप करने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट पिक आउट दैट कॉन्सेप्ट जो आपको यूज करना है और उस पर फोकस करके सिंपली छोटी सी कैलकुलेशन करके आपको अपने आंसर्स निकालने हैं. तो हम क्या कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है प्लस 11. वी ऑल नो दैट दिस इज वेरी फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इसमें से 11 कॉमन आ रहा है. 11 में कॉमन करके क्या बचा अंदर, 7 एंड 13 प्लस 1. हियर 13 सेवन जार 91 प्लस 1 विच इज 92. और अगर मैं 92 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं देन आई गेट इट इज 2 इंटू 2 इंटू 23. Obviously, more than two factors. Which means composite number. Easy? Obviously, composite numbers कौन से होते हैं? Having more than two factors. A number having more than two factors is called a composite number. Okay? तो ये तो proof हो गया कि ये composite है. Second check करते हैं. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 3. Obviously, first expression and second expression mein 3 common aa raha hai. Taking out, andar hamare paas kya bacha? 7, 6, 5, 4, 2, 1 plus 1. Agar main isko solve kar rahi hoon properly, then I will get it is 1680 plus 1. Which is 1681. अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं 1681 को, आई विल गेट 41 इंटू 41. जब आप इसकी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखेंगे यू विल गेट 41 इंटू 41. ओके, ऑब्वियसली मोर देन टू फैक्टर्स, अगेन मोर देन टू फैक्टर्स द सेम एज कॉम्पोजिट नंबर. तो ये भी हमारा कॉम्पोजिट नंबर प्रूव हो गया. सो फॉर दैट हमारी assertion क्या हो गई, ट्रू, सही है. हमने चेक कर लिया कि हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन भी कॉम्पोजिट है, सेकेंड एक्सप्रेशन भी कॉम्पोजिट है, तो हमारी assertion क्या हो गई, ट्रू. नाउ लेट्स जस्ट चेक फॉर द रीजन. रीजन हमें क्या गिवन है, इट इज 3 इंटू 12 इंटू 101 प्लस 4. अगर हम यहाँ पे देखें कॉमन नहीं आ रहा है, बट मैं कर सकती हूँ बिकॉज 12 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाई बाय 3. सो फॉर दैट पार्ट मैं 4 कॉमन कर रही हूँ और हमारे पास इन ब्रैकेट क्या बचेगा, एक 3. 4 थ्रीज में से 4 मल्टीप्लाई 3 में से 4 तो हमने बाहर ले लिया, अंदर अगेन 1 3 एंड 101 प्लस 1. जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं प्रॉपरली वी विल गेट इट इज 909 प्लस 1 which is 910. अब मैं अगर 910 और 4 को प्राइम फैक्टराइज कर रही हूँ प्रॉपरली, 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 एंड नेक्स्ट वी हैव
टू इंटू फाइव इंटू सेवन इंटू थर्टीन, 910 की प्राइम फैक्टराइजेशन, अगेन मोर देन टू फैक्टर्स विच इज अगेन अ कॉम्पोजिट नंबर, विच मीन्स हमारा रीजन भी क्या हो गया, ट्रू। दोनों सही आ रहे हैं, चेक करें, रीजन इज नॉट ट्रू। रीड द रीजन वेरी केयरफुली, दे सेड नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर, बट हमारा तो कॉम्पोजिट नंबर आ रहा है, ओके, सो फॉर दैट थिंग रीजन इज इनकरेक्ट, assertion is correct, reason is incorrect. So which option? Check for the four options. Assertion correct, reason incorrect. A, B, C, D में से कौन सा option सही था ये? Option number C, which is the correct answer. Is this clear to everyone? I hope it is clear. It is the very fourth topic. So students, इसी टॉपिक्स, यही चार टॉपिक्स बेस्ड है हमारे रियल नंबर्स में से, कॉम्पोजिट नंबर्स, रैशनल इरैशनल नंबर्स, एचसीएफ एलसीएम और टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये फोर मेन टॉपिक्स हैं जिस पे बेस्ड आपको असर्शन रीजनिंग मिलेगी एग्जाम्स में, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे फॉर द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ असर्शन एंड रीजनिंग। Thank you so much for watching the video. Kindly like and share this video. Also, subscribe the channel. Thank you.